Hi, hi everyone. Good morning. आज मैं आ गई हूँ सुबह सुबह लाइव, और पता है लाइव में आना मतलब स्पेशल गेस्ट के साथ आना. मैंने कल स्टोरी पे डाला था हमारे स्पेशल गेस्ट के बारे में. तो कौन कौन एक्साइटेड है आज के लाइव के लिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. राधे 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 राधे. तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है मुंबई से, बहुत ही स्पेशल है. मैं उनको बहुत दिनों से फॉलो करती हूँ, उनके डिज़ाइंस भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो चेक करते हैं वो ज्वाइन कर ली क्या हम लोगों को. नहीं, अभी तक वो ज्वाइन नहीं की है. तब तक आप लोगों से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं. हाय हाय एवरीवन, थैंक यू. हम लोग उनको ज्वाइन कर क्वेश्चन है तो इस टाइम पे कर लीजिए, अगर हो सके तो मैं उनसे पूछूंगी. मैम आ गई. गुड मॉर्निंग मैम. नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थोड़ा सा अब्डक्टिव चल रहा है आपका भी. जो दिख रहा है प्रॉपर सबको? बहुत ओके. हाँ मैम, आवाज भी आ रही है आपकी. दिख रहा मतलब अब भी आपका शेड्यूल ही मिल नहीं रहा था. हम लोग पिछले दिनों से कन्वर्सेशन कर रहे थे, बिकॉज ऑफ हमारा ब्राइडल था बोल के वो सारी चीजें मिल नहीं रही थी. बट मैम बहुत हेवी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के लाइफ में आई है. सो मच, आपने भी बहुत अच्छे से सब कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट करके कि मैम कब भी तो लाइव आ, ये वो डेट ही एक्चुअली मैनेज नहीं हो रहा था क्योंकि बैक टू बैक ब्राइडल सीजन थी, आपकी भी बुकिंग थी. क्योंकि ये जो मतलब मेन डेट्स में आर्टिस्ट बहुत बिजी होते हैं. अभी वेडिंग सीजन चल रहा है ना, तो थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है. बट आप इंस्टा फैमिली, आपके लिए हम लोग बहुत सारे कोशिश करके लाइफ पे आए हैं. हाँ, थोड़ा सा बीच में शायद रुक गया है. मेरा भी रुक जा रहा है क्या मैम? पहले तो गुड मॉर्निंग और थैंक यू मेरे लाइफ पे ज्वाइन करने के लिए. तो आपसे थोड़ा सा मैं अपना सवाल लूंगी, और अगर मुझे कोई सवाल ऐसा लगा कमेंट्स में जो आपसे पूछना चाहिए तो हम लोग वो भी पूछेंगे आपसे, ठीक है मैम? तो वैसे सबसे पहले जो चीज होता है हम लोग हमेशा पूछते हैं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई. जर्नी तो बहुत मतलब सबकी जर्नी तो इतनी इजी नहीं होती है, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है. तो मुझे हाँ. तो वैसे बचपन से मेहंदी की बहुत शौक भी था और मुझे लगवाना भी बहुत पसंद था. तो मैं बचपन से मतलब मेरी मम्मी को ही परेशान करती थी, मुझे मेहंदी लगाओ मेहंदी लगाओ. तो उस टाइम पे तो ऐसे कोन वगैरह अवेलेबल नहीं रहते थे मार्केट में, तो मेरी मम्मी खुद ऐसे मतलब बनाती थी. नॉर्मल नीलगिरी ऑयल जैसे मार्केट में मेडिकल में मिलता है, पाउडर में उसे मिक्स करके ऐसे वो माचिस का स्टिक होता है ना, उससे निकालती थी. उस टाइम पे भी मैं बहुत नखरा करती थी, मम्मी आपने ऐसे क्यों निकाला, थोड़ा अच्छे से डिजाइन निकालो ये हो. आज भी मेरी मम्मी मुझे बहुत याद करती कि मतलब पूनम आज तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है. तो ठीक है, तो फिर मेरी मैं क्लासेस उस टाइम पे भी लेती थी शादी के पहले,
तो मेरी शादी मुंबई में हुई, तो यहाँ पे वो वर्क नहीं चलता था जैसे हम पहले करते थे। हमें अगर प्रोफेशनली लेवल जाना होता है तो हमें कुछ सीखना होता है, तो मैंने मुंबई में आके कोर्स किया। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर स्टार्टिंग किया कि कैसे मेहंदी कौन बनाते हैं, कैसे कोई शेप्स बनाते हैं। कोर्स करने के बाद ही ये सब मुझे समझा कि सच में कि कोर्स करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से लोगों को क्या लगता है, अरे मेहंदी तो हमें आती है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, मेहंदी हमें सीखना पड़ता है, तो मैंने सीखा, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया। बहुत से मतलब मेरी जो बेटी भी है वो अभी 12 साल की है, उस टाइम पे वो 1 साल की थी, बहुत छोटी थी, तो उसे छोड़ के जाना, तो मेरी मदर इन लॉ उसको समझाती थी, संभालती थी। तो एक सपोर्ट सिस्टम भी बहुत जरूरी होता है घर का। तो धीरे 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 स्टार्ट किया, तो बस इस मतलब एक पेशेंस भी बहुत जरूरी होता है, तुरंत ऐसा कुछ भी नहीं हासिल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि तो मैंने बस स्टार्ट हो गया धीरे धीरे मार्केट, मतलब मार्केट तो उस टाइम पे तो ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था। ठीक है, अभी जैसे लोग सोशल मीडिया पे जितना लाइव है पहले वैसे नहीं था जैसे अभी है, तो उस टाइम में माउथ पब्लिसिटी ज्यादा होती थी। मैम, आपको थोड़ा सा रोकूंगी इस लाइफ में। मुझे तो पता है, मैं चाहती हूँ सबको पता चले कि आप कितने सालों से इस मेहंदी इंडस्ट्री में हो। लोगों को लास्ट वाला पीरियड दिख जाता है कि मैम यहाँ से यहाँ पहुंच गई, मगर कहाँ से शुरू किए थे किसी को नहीं पता चलता। तो मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगी आपकी मेरी कितने ये साल 12 की साल की जर्नी है। जर्नी है। वही मैं बोल रही हूँ कि 12 साल लगते हैं, आप लोगों को 1-2 साल में वो अचीवमेंट नहीं मिलता है। जो अभी भी थोड़ा कामनेस से काम करते हैं उनको पता है कि किसी भी बड़े आर्टिस्ट को हम लोग जो देख रहे हैं वो 1-2 साल में अपने लेवल पे नहीं आए हैं, वो लोग सालों साल लगाए हैं। और मैम ने जो एक बहुत सुंदर बात की, मैं उस चीज को आज बोलूंगी कि क्लासेस क्यों लेना चाहिए। अगर मुझसे पूछेंगे तो आप सब हीरे हो, मगर उस हीरे को भी कमर्शियली अगर मेरे कान में फिट होना पड़ता है ना, तो एक जौहरे के हाथ से उसको शाइन और शेप होके फिर कान और अंगूठी में फिट होना पड़ता है। आप अगर मेहंदी आता है बोल के सिर्फ चलेगा नहीं, आप अगर कमर्शियली क्लास करोगे तो किसी के पास शाइन होगे, तभी आप मार्केट में एज ए पेंडेंट, एज ए इयररिंग, एज ए रिंग आप खुद को रिप्रेजेंट कर सही पाओगे। बोला सही आपने, बोला मैम आपने। एकदम सही बोला। क्योंकि लोगों को क्या दिखता है, अरे यार ये लोग तो इतने फेमस है, बट वो फेमस होने के लिए हमने पेशेंस रखा, हमने प्रैक्टिस किया। ठीक है, धीरे धीरे आगे, कोई भी ऐसे रातों रात हीरा नहीं बन जाता है, रातों रात हीरो नहीं बन सकते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत कोई भी करेगा तो आगे होने ही वाले है, मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। बट आजकल मतलब पेशेंस लेवल सबका चला गया है। इवन अभी देखेंगे तो हमको भी अगर कुछ प्रैक्टिस करना है तो हम थक जाते हैं, हम लोग गिव अप कर देते हैं, बट उसको गिव अप नहीं करना होता, हमें कंटिन्यूज करना होता है। नहीं, ये बात तो मैं भी कहीं ना कहीं, ये थोड़ा सा मतलब इंस्टेंट वाला हमारे अंदर वो चीज आ गया है, इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट हर एक चीज सक्सेस, इंस्टेंट मेहंदी को करियर, लेके नहीं, हर एक इंस्टेंट चीज वाला में सब। हमें इंस्टेंट ही चाहिए होता है। हर एक चीज मतलब मुझे भी फील होता है, मैं किसी दूसरे को नहीं बता रही, मैं अपने का भी बता रही हूँ कि मुझे भी फील होता है कि मैं इंस्टेंट में कभी कभी स्विच कर जाती हूँ कि ये इंस्टेंट बन जाएगा मैं कर लेती हूँ। तो हाँ, ये सारी चीजें हैं मैम। थैंक यू इतना सुंदर से समझाने के लिए हम लोगों को कि समय का वैल्यू क्या है और अगर मुझे क्यों कोर्स करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं हमेशा ना बहुत जनों से, मैं मेरे भी खुद के एक्सपीरियंस से मैं देखती हूँ कि क्या होता है जब हम लोग काम पे जाते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे मेमोरीज हमारे साथ चले आते हैं जो हम कभी नहीं भूल पाते हैं। आपका तो इतना सारा मेमोरीज है, उस मेमोरीज में से मुझे कुछ स्टोरी सुनाइए जो आपको हमेशा याद आती है कि अच्छा ये चीज मेरे साथ हुआ था और आपके फेस पे वो स्माइल आ अभी जाती है, मतलब बहुत कोई सारे ऐसे का तो इवेंट बहुत में ज्यादा ऐसे। है, ऐसे नहीं है। बट अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि क्लाइंट लोग कितने अप्रिशिएट करते हैं अपने वर्क को, कि वाह कितना नीट वर्क है, कितना बारीक काम है। क्योंकि कोई के लोग अभी भी नहीं है लाइव सोशल मीडिया पे, अभी भी एक्टिव नहीं है, ना ही उनको इंस्टा पता होता है, बस उनको व्हाट्सएप पता होता है। जो अभी भी है, जो नहीं भी यूज करते हैं, मेरे भी ऐसे बहुत सारे ब्राइड्स है कि आप, मैं उनको टैग करना चाहती हूँ कि चलो मुझे आपका आईडी दो तो मैं आपको टैग करूँ,
बट नहीं है, ऐसे देखने जाएंगे ना कोई कोई लोग नहीं है एक्टिव। तो रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, उनके घर वाले से लेके कम से कम मैं मॉर्निंग 8 बजे पहुंच गई थी। मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया, वो लाइन मतलब मुझे ब्राइट करने के लिए 6 घंटे चले गए। 6 घंटे तक मैं सुन ही रही थी, वाह वाह वाह, मतलब इधर मराठी में बोलते कितनी चांगला वर्क आहे। मैं अजिबात नहीं, मतलब मैंने अब तक नहीं देखा है ऐसे कितना अच्छा वर्क है। तो मतलब क्लाइंट को भी समझते हैं कि हमने अगर एक लाइन भी ड्रॉ किया है ना, तो ये प्रोफेशनली है कि नॉर्मली है। उनको तो सब अच्छा ही लगता है, नो डाउट। उनके लिए नॉर्मल भी अच्छा, मेहंदी ये भी। बट कभी कभी उन्होंने जो चीज, जैसे हमने भी कोई चीज नहीं देखी है तो बहुत ही वाव लगती है। इतना सुन सुन के मेरे मुंह से थैंक यू बोल के रहा नहीं जा रहा था। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था ये, तो मैं अभी भी नहीं भूलती हूँ। अभी भी स्टूडेंट्स लोग को मैं यही बोलती हूँ कि इतना सारा, स्टूडेंट्स लोग भी मेरे बहुत खुश थे उस टाइम पे, टीम वर्क भी मेरा कर रहा था। मतलब क्लाइंट अच्छा मिले तो हमारे को काम करने का भी मन कर। आप कोई हाथ का काम कर रहे हो, मशीन तो है नहीं कि हम गए और छाप दिए, अपने हाथ से बना रहे, दिमाग से सोच रहे हैं उस टाइम पे। अगर क्लाइंट अप्रिशिएट करता है तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है वो चीज, कि हाथ के काम का वैल्यू तो हमेशा ही होता है, और वो स्पेशल भी हो जाता है जब वो हाथ से हम लोग बुनते हैं व करते हैं। तो ये तो हो गई मैम बहुत अच्छी वाली एक एक्सपीरियंस। ऐसे कोई एक्सपीरियंस है जो सोच के आपको हमेशा गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, भाई ऐसे कैसे गुस्सा, किया, गुस्सा तो भाई नहीं ऐसा बोल कुछ सकते, बट आपके एक मन सीखने के लिए मिलता है। गुस्सा नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे कि अभी में। रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि मेरे ऑलरेडी क्लाइंट से बात हो गई थी कि आपको कितने वाली मेहंदी लगानी है, हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला था ठीक है हमें 500 वाली लगवानी है, तो मैंने बोला चलेगा ठीक है। तो वहां पे जाके अगर उन्होंने लेंथ बढ़ाया तो अपना प्राइस हमेशा लेंथ वाइज डिसाइड होता है कि आपने इतना लगाया तो इतना, इतना लगाया तो इतना। तो उन्होंने डायरेक्ट ऊपर से स्टार्ट किया, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे टीम थे, मैं वहां पे अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब लगा दो। तो उनको जब हमने प्राइस बताया कि इसका, तो वो देने के लिए रेडी नहीं हुए थे। तो उनको भी नहीं मालूम होता है कि इतने का इतना लेते हैं, इतने का इतना लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने नहीं रेडी हुए, तो हमने क्या किया कि अगर आपको पे करना है तो आपको इतना ही पे करना है। आपको भी आपके आर्ट की वैल्यू होना उनको समझाना पड़ेगा कि हम भी आपके इधर आके आर्ट किए हैं, ठीक है। हम अगर हमें हमारे आर्ट की कदर नहीं तो सामने वाला ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे काम की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमने वहां पे कितना टाइम दिया है, कैसी डिजाइन की है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इतना पे नहीं करूंगी। तो मैंने बोला ठीक है मत करिए। तो उन्होंने पे नहीं किया, मेरी लड़कियां वहां से चली गई, ठीक है। तो बाद में उनको शायद रियलाइज हुआ, फिर मुझे कॉल आया कि आपका कितना पेमेंट हुआ, मैं आपको जीपे करती हूँ, आपके लड़कियों ने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छा कलर भी आया है। तो आप अपने आप को उनके हिसाब से मत ढलिए, आपको अपनी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो एक मुझे वो चीज सीखने के लिए मिली कि हमें प्राइस क्यों कम करना है, ठीक है। हमें पता है अगर आप अपने जगह पे फिक्स, वो लोग अपने जगह पे फिक्स रहते हैं तो आपको भी अपने जगह पे फिक्स रहना होगा। तो मुझे गुस्सा नहीं आता है वो चीज सोच के, बट मुझे सीखने के लिए मिला कि हाँ ठीक, कुछ तो सीखने मिला ऐसे। इस वाले स्टोरी से मैंने 3 चीज सीखा। एक तो है कि लेंथ के हिसाब से हम लोगों का रेट होता है। अगर क्लाइंट आपको पेमेंट ना दे, आप जो पूरा छोड़ डिमांड करते हो तो दो, पूरा लो ही छोड़ दो, मत। मगर वो हमने थोड़ा ऐसे सा दान कर दिया, मतलब हम दान तो हाँ करते ही खुद है। को चलो ठीक है कभी ना कभी, जैसे हम इतना कमाए तो इतना दान किए, तो मेहंदी में भी कभी अगर वन हैंड दान किया तो कोई बात नहीं, हमें खुशी होनी चाहिए। कि थोड़े से मैं खुद को, अगर आपको पता है कि आपकी वैल्यू इतनी है तो पूरा मिले हाँ तभी लो, नहीं तो छोड़ दो। ये और के केस में भी सेम है क्या मैम, कि अगर मैंने जो रेट फिक्स किया है वो मिले तभी वो ऑर्डर ले, नहीं तो छोड़ दे। क्या क्या बोला आपने? मैंने बोला कि ये ऑर्डर के सही केस बात में है। भी तो सेम है मैम, कि मैंने जो फिक्स रेट फिक्स किया है कि भाई मेरा ब्राइडल इतने का है, अगर उसमें काम मिले तो मिले, नहीं मिले तो छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ। क्योंकि आप अगर अपना वैल्यू कम सही करोगे बात तो सामने वाला है, तो सही कभी बात है, वैल्यू एकदम नहीं सही बोला करेगा। आपने। और मैम, और ये आपसे पूछना था कि मेहंदी में ग्रो करने के लिए एक छोटा सा टिप्स,
मतलब जिससे हम लोग मेहंदी थोड़ा सा ग्रो करे, मतलब थोड़ा सा हेल्प हो ग्रो करने में। और एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, एक लड़की का कोई क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा है तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी। एक क्वेश्चन ये है कि मेहंदी में कैसे ग्लो करे, मतलब शुरू तो कर देते, सबको इंस्टेंट चाहिए भी तो, बट थोड़ा सा टिप्स मिलने से, आप लोगों की टिप्स मिलने से हम लोगों को क्या होता है, हेल्प होता है थोड़ा ग्रो करने में। तो एक अच्छी हाँ, सी टिप्स मेहंदी मैं में आपसे। सबसे पहले अगर आपको ग्रो भी करना है, आपको स्पीड भी बढ़ाना है, आपको आगे भी बढ़ना है, तो सबसे पहले दिमाग को शांत रखना है। पेशेंस लेवल बहुत जरूरी है कोई भी चीज के लिए। लो, आप कोई भी चीज, जॉब में भी हो या घर के भी चीजें में देखो या फैमिली मेंबर्स, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। पेशेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप आज प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होना है, ठीक है? आप कोने कोने कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी आर्टिस्ट के पास सीख लो, या तुम खुद भी सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस ही करना है। ऐसा नहीं कि मैम मैं कितना घंटे प्रैक्टिस करूँ, ऐसे नहीं होता है। आपको जिस मतलब उस मुकाम तक पहुंचना है तो आपको तब तक उस लेवल का प्रैक्टिस करना है। अगर हम आज इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, अभी तक हमें उससे भी बड़े लेवल तक पहुंचना है, तो हमें प्रैक्टिस ही करना होता है। हमें धीरे धीरे चीजों को मतलब दिमाग में रख के आगे बढ़ना होता है। तो प्रैक्टिस के अलावा तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको बोर हो रहा है कि ठीक है यार, आज मैंने इतना प्रैक्टिस किया फिर भी मुझे कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा रोक दो, एक दो दिन का ब्रेक ले लो, बट उसे छोड़ो मत, ठीक है? जैसे एक घर का भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हमें किचन में जाने को कंटाला आ रहा है, हम एक दिन होटल का खाएंगे, दो दिन खाएंगे, पर तीसरे दिन तो हमें जाना ही है, रोटी तो बनाना ही होगा। वैसे ही सेम, अगर आपको मेहंदी में थोड़ा सा कंटाला आ रहा है, थोड़ा सा बोर हो रहा है, एक दो दिन का ब्रेक ले लो, उसे साइड में रख दो, एंजॉय करो, वापस उस चीज में आ जाओ, क्योंकि हमें उसके आगे बढ़ना है। इसके लिए तो छोड़ो मत कोई भी चीज, तो यही, क्योंकि गिव अप करेंगे तो वो छूट ही जाएगा, बट ऐसे नहीं करना है। अगर हमें कुछ, अगर हमारा कुछ सपना है, उस ड्रीम तक पहुंचना है, तो धीरे धीरे हमें उस चीजों को मतलब पूरा अच्छी तरह से ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आजकल क्या है, इंस्टेंट वाला कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो इंस्टेंट में आगे बढ़ भी जाते हैं। डिपेंड्स, लक भी होता है, बट हर एक का लक सेम नहीं होता है, पांचवी उंगली भी सेम नहीं होती है। धीरे धीरे दिमाग को शांत रख के प्रैक्टिस करो, एक्टिव रहो। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहोगे, डेली स्टेटस पोस्ट करना है, स्टोरी पोस्ट करना है, डेली आपको फीड पोस्ट करना है, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो, आप मेहंदी निकालते हो, तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। सिर्फ प्रैक्टिस करके मोबाइल में फोटो सेव करके रख दिए तो कुछ भी नहीं होगा। आपको डेली एक्टिव रहना पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ नए नए डिजाइन पोस्ट करने पड़ेंगे, तो आपको लोग जानने लगेंगे इजीली। बस यही टिप्स है कि आप बस रोज एक्टिव रहो, बस। तो इस वाले मैम के टिप्स से मुझे पता चला कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, कितना भी वो मतलब बोरिंग हो, फिर भी हमको अगर इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। दूसरी बात है, गिव अप नहीं करना है, धीरे धीरे धीरे। और अगर आपने कुछ फोटोज खींचे हैं अपने ड्रॉ के बाद आर्ट के, उसको सोशल मीडिया में कंटिन्यू पोस्ट करना चाहिए। तो मैम, और एक चीज, क्योंकि आप इतने सालों से जरूर हो तो हम लोगों के क्वेश्चन तो बढ़ते जरूर ही जा रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन कि मैम, बुकिंग लेने के समय क्या ध्यान में रखे जिससे मतलब ऑर्डर पे जाके गलतियां कम हो, बा क्लाइंट के साथ मैशअप कम हो, मतलब कुछ मतलब गलत ना हो, कि हम ये चीज तो बोल के ही आए थे, आपको तो पता ही था, तो ये क्या क्या चीजें ध्यान में रखने से ये हमारे ये क्वेश्चन था, किसी ने कमेंट किया था कि क्लाइंट हैंडल कैसे करे, बुकिंग लेने के समय क्या करे। तो ये कोई इंस्टा फैमिली में से क्वेश्चन किया था कि बुकिंग लेने के समय हम लोग क्या ध्यान में रखे, तो ये इंस्टा फैमिली की तरफ बुकिंग से लेने के आपको समय सबसे पहले तो क्वेश्चन। आपको याद नहीं रखना है कि आपने कौन सी डेट की बुकिंग ली है। सबसे पहले आपको एक डायरी और पेन रखना होगा, बुक और पेन, जो आपको डेली आपके पास ही रखना। अगर आप बाहर जा रहे हो फिर भी आप घर में हो तो घर में ही है, ठीक है? ऑर्डर्स पे जा रहे हो तो आपको बुक और पेन लेके जाना है। सबसे पहले अगर क्लाइंट का कॉल आता है, आपसे बुकिंग पूरी डील हो चुकी है, तो कौन सी डेट की बुकिंग है,
ठीक है, तो आपको बुकिंग डेट लिखना है, क्लाइंट से आपने क्या बात किया है, ठीक है, आपको क्लाइंट को राइट डाउन करके देना है। अगर आप राइट डाउन बुक पे करते हो तो उनको फोटो क्लिक करके शेयर कर दो, या तो आजकल व्हाट्सएप है तो बहुत इजी हो गया है, आप वॉइस नोट भेज दो, या तो फिर आप पूरा अच्छी तरह से एक मैसेज लिख के भेज दो कि इस 500 रुपए में आपको एल्बो लेंथ होगा, आपका ये डिजाइन होगा, अगर आप एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो इसका एक्स्ट्रा प्राइस होगा। फिर अगर फैमिली मेंबर्स को भी लगाना है, कितने लोगों को लगाना है, कैसे लेंथ लगाना है, तो आप एक डिसाइड कर दो। 10,000 में आपको इतनी मेहंदी आएगी, ट्रैवलिंग एक्स्ट्रा लगेगा, ट्रैवलिंग लेना कभी भी नहीं भूलना है, ये हमेशा आपको एक ब्रैकेट में लिखना ही है, ट्रैवलिंग एक्स्ट्रा ही होगा करके। क्योंकि अगर हमने 500 का मेहंदी लगाया है, हमारा 100 रुपया अगर ट्रैवलिंग जा रहा है तो मतलब नहीं है। तो आपको सबको ये सीखना ही है कि ट्रैवलिंग हमेशा एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। बहुत से लोग मेहंदी में ही इंक्लूड करते हैं ट्रैवलिंग, बट मेरा जो तरीका है मैं हमेशा एक्स्ट्रा लेती हूँ ट्रैवलिंग। तो आप नोट डाउन करो और क्लाइंट को भेज दो। वहां पे जाने से पहले आपको मैसेज चेक करना है कि मैंने क्लाइंट से क्या बात की है। ऑन द स्पॉट करोगे तो हम खुद भी इतनी बिजी रहते हमें भी याद नहीं होता है। तो आप वहां पे जाने से पहले एक बार मैसेज रीड कर लीजिए, वो क्लाइंट से वापस से बात कर लीजिए और इजी हो जाएगा बहुत। अगर आपके भी दिमाग में वो चीज है, क्लाइंट के भी दिमाग में वो चीज है, तो बहुत इजी से हो जाएगा। लेकिन आपको राइट डाउन करना नहीं भूलना है क्या बातें की है हमने, क्योंकि वो बुकिंग हमारी 6-6 महीना पहले की रहती। क्लाइंट्स इतने बिजी रहते हैं शॉपिंग के चक्कर में, उनको याद नहीं रहेगा। हम हमारे फील्ड में इतने बिजी है कि हमको याद नहीं रहेगा। इसके लिए राइट डाउन करके ही रखना है। मतलब अगर बुकिंग ले रहे हैं, जो जो बात हम लोग क्लाइंट से वाया फॉर्मल वॉइस में किए हैं, वो सारी चीज एक जगह नोट करके हम क्लाइंट को भी भेज देंगे और अपने पास भी रख लेंगे, जिससे क्या होगा ऑर्डर के समय वो भी क्लियर है कि आपने किस चीज का किस चीजों का बात किया है, और आपके पास भी क्लियर होगा कि आपने क्या क्या सर्विस को देना है। थैंक यू मैम। और एक चीज आपसे बहुत अच्छा मैंने सीखा जो ट्रैवलिंग वाला है, कि आप लोग ट्रैवलिंग का एक्स्ट्रा चार्जेस हमेशा उसमें इंक्लूड कीजिए, उनको बता के रखिए, मन में मत रखिए, कोई भी चीज मन में मत रखिए। अगर हमने नहीं कहा हम इतने तो आप वो लोग बोलते कि आपने पहले क्यों नहीं कहा। तो हर एक चीज क्लियर रहो, चाहे वो कोई फील्ड हो, चाहे क्लासेस के बारे हो, चाहे स्टूडेंट्स के बारे हो, मैं हमेशा एकदम मतलब फ्रेंकली रहो। हमेशा मन में रख के कोई चीज करोगे, ना ही आपको मजा आएगा ना ही उनको मजा आएगा। कि भाई अगर आपको आपको मेहंदी निकालने में बहुत रात हो रही है और आपको पता है कि इसके बाद मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि नहीं मिलेगा बा कुछ दिक्कत हो सकती है, या आप क्लाइंट को बोलो कि उस टाइम तक फिनिश कर दे, या आपको कहीं एक सेफ जोन तक ड्रॉप कर दे। तो कोई भी चीज जो जो आपको दिक्कत, कोई भी चीज आपको अगर फूड का भी रिक्वायरमेंट है, पानी का भी रिक्वायरमेंट है, बस कुछ भी चाहिए, दो लेमन भी चाहिए लेमन शुगर के लिए, वो सारी चीज आप क्लाइंट को पहले नोट करवा दीजिए, अपने मन में मत रखिए कि तो आपके घर में बना ही लेना है कि हमें क्या क्या चीजें की वहां पे जरूरत होगी। आप एंड मोमेंट पे बोलोगे कि लेमन चाहिए, तो हर एक के घर में लेमन अवेलेबल नहीं होता है। कभी कभी बैंकवेट्स में होते हैं, कभी कभी हम होटल्स में होते हैं, कभी कभी किसी बाजू वाले के रूम में होते हैं, तो डिपेंड करता है। पहले ही अगर उनको हर एक चीज बता देंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। मतलब हम मेहंदी आर्टिस्ट को भी बोल रहे हैं कि अपने मन में मत रखो कि घर पे ही तो है, लेमन तो मिल जाएगा, टूल तो मिल जाएगा, पिलो तो मिल जाएगा, ये मत सोच के जाइए। आप उनको पहले ही मेंशन कर दीजिए कि ये सारी चीजें हमको लग सकती है। थैंक यू मैम, बहुत सारी चीजें मैंने आज सीखी आपसे। आशा करती हूँ जो हमारे लाइफ में ज्वाइन है तो बाद में भी देखेंगे, उनको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी हेल्दी कॉन्वर्सेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कि मैम अपना बिजी शेड्यूल निकाल के आप लोगों को ये सब टिप्स दे रही है, इन लोग के वजह से हम आगे हैं। तो मैं भी इन लोग को थैंक यू बोलना चाहूँ कि आप लोग भी इतने सुबह सुबह हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमें अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस तो करना ही करना है।
बट हम किसी से कंपेयर करेंगे तो हम थोड़े लो हो जाते हैं, अरे यार वो तो कितनी बड़ी आर्टिस्ट है, हम क्यों इतने छोटे हैं। तो ये दिमाग में मत रखिए, ठीक है। अगर आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में देखोगे तो शाहरुख खान अपने जगह पे फेमस है, सलमान खान अपने जगह पे फेमस है, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे पूनम मैम के जैसा बनना है, कि मुझे बर्नाली आर्ट्स के जैसा बनना है, ये मत सोचिए। आपको आप अपना कितना बेस्ट दोगे, आपको अपना नाम कमाना है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, आप मुझसे भी अच्छा बन सकते हो, आपको अपना नाम कमाना है। आपको कोई आगे चल के ये नहीं जानेगा कि आप पूनम मेहंदी रिजाद से सीखे हो, आपको लोग आपके नाम से जानेंगे। तो आप खुद इतना मेहनत कीजिए, खुद ने अपने बेस्ट वर्क दिया है, आप अपने आप को बेस्ट मानिए। आप अगर किसी से कंपेयर करोगे तो हम हमेशा नीचे ही रहेंगे, हम हमेशा रोते ही जाएंगे कि यार मुझे ये नहीं आ रहा है, वो तो कितनी बड़ी है। बट नहीं, आपको खुद को फेमस करना है, ठीक है। खुद इतना मेहनत कीजिए, मेरे जैसा या किसी और के जैसा मत बनिए, हर एक को अपना नाम कमाना है। थैंक यू मैम, इतना सुंदर चीज इतना शॉर्ट में समझाने के लिए। आज जो भी है, आप लोग इंस्टाग्राम के फैमिली के लव एंड सपोर्ट की वजह से है, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। आज अगर वो लोग सपोर्ट नहीं सही करते तो बात, शायद हम लोग भी ये चीज नहीं करते। तो इंस्टा फैमिली, बट ये जो टिप्स था, एकदम की कंपेयर मत कीजिए इसको। मैं भी बहुत, हम इंसान है, हम कर लेते हैं, मगर ये चीज को हमेशा, जैसे हम इंसान है, हमारी तबीयत खराब हो ही जाती है, मगर उसको दवाई खा के, बाक अच्छे फूड्स कंज्यूम करके, रेस्ट करके जैसे ठीक कर लेते हैं, वैसे जब भी आपको कंपेयर फील होगा तो आप ये सारी चीजों को सुनिए कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, अगर खुद का सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू इतनी सुंदर लाइफ में ज्वाइन करने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप ये लास्ट, मैं सबको बाय भी बोलूंगी और मैम से थोड़ा जानने की कोशिश करूंगी कि आपको लाइव सेशन में आगे मुझे कैसा भी लगा, बहुत आपकी अच्छा फीलिंग लगा। मैं भी कैसी बहुत है। दिनों से लाइव नहीं आई थी क्योंकि टाइम ही मैच नहीं हो रहा था, बट आज आपके वजह से मैं भी आज मेरे भी पेज पे लाइव दिख रही हूँ, लेकिन मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं हुआ। तो थैंक यू सो मच आपके लिए भी कि आपने इस लेवल पे लाया करके कि हम लोग अच्छी अच्छी बातें कर पाए, वरना तो बस हम इंस्टा पे पोस्ट ही करते रहते और कुछ नहीं करते, वैसा ही हो जाता था। तो अभी हम लोग अपने दोनों इंस्टा फैमिली को बाय बोल के इस लाइव को खत्म करेंगे। पहले तो मैं आपको बाय बोलूंगी, बाय मैम, दूसरा तो मेरी इंस्टा फैमिली को बाय बोलूंगी, फिर मैम बाय बोलेगी, तो इसको हम लोग खत्म करेंगे। मगर इस लाइव को सेव करना, शेयर करना मत भूलिएगा बाकी आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी मगर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई है, जिससे आपको सामने जाके ग्रो होने में सुविधा होगा। तो अभी थैंक मैम को मैं यू छोड़ती हूँ सो बाय मच। मैं बोलने एक के लिए। स्लोगन बोलना चाहूंगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय थैंक, बाय एवरीवन, बाय। बाय मैम।